नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार विषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। प्रणाम सभी लोग को, मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप लोग क्लिनिकल संभाषण करना चाहते हैं कि वो अध्याय खत्म करना चाहते हैं? डॉक्टर महेंद्र सर आप क्या चाहते हैं? मैं एक मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, फिर आप बताइए। कोई पेशेंट से रिलेटेड बात करनी है कि अध्याय कंप्लीट करना है? एक बार देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? हाँ सर, आप ये अध्याय कंप्लीट करना चाहते हैं कि केसेस रिलेटेड बात करना है? आप किसी जो की बोल, कोई इमरजेंसी नहीं हो तो अध्याय कंप्लीट कर लो। हाँ, तनिका मैडम, गंगवार सर, श्वेता मैडम, ईश्वर जी, शशि मैम, कोई केस बताना चाहते हैं तो केस बताइए, नहीं तो हमें ये अध्याय कंप्लीट करना है। गुड बोलिए इवनिंग सर, बोलिए। नाम प्रणाम सर। हाँ सर एक पेशेंट का कीलोइड है सर, वो जगह जगह बन रहे हैं उसके। हेतु अच्छा, तो क्या हेतु मिला? सर वही दूध दूध और दही और ये वृद्ध आहार। अच्छा, तो आप वो सब बंद करिए और मांस पाचक, मेदो पाचक, मांस धातु पे काम करने वाली सारी दवाइयां दीजिए, हो जाएगा ठीक। तो सर इसके ऊपर कुछ लगाने के लिए नहीं है क्या? ऐसे क्षार कर्म वगैरह रहता है, जैसे यवक क्षार को पानी में घोल के लगा दे तो वो निकल जाता है। अच्छा, तो फिर मैं वो यविषार को लगाने की मतलब एक दो बार ट्राई कर लूँ एक बार। हाँ, एक बार फोटो दिखाई तो मैं आपको बता पाऊंगा। मैं फोटो अभी भेज, मैं अभी भेजती हूँ आपको। और हेतु सेवन बंद करे, कफकर आहार विहार करके वो दिन में अगर सोएगा तो मांस दुष्टि होगा। सर दिन में भी सोना है और आहार विहार बहुत ज्यादा वो खराब है। जी, चर्म कीलक। और आप ग्रुप में लिखिए कि स्वप्निल जी चर्म कीलक केलोइड पे बताइए एक वीडियो। मैंने तीन चार वीडियो लिए हैं, उस पर मैंने बहुत सारी दवाइयां बताई हैं। अच्छा सर, मैं अभी ग्रुप में डाल दूँ। डाल दिया सर, ठीक और उसके लिए भी बोलिए, वीडियो के लिए भी लिखिए तो आप वो वीडियो देख। है। ठीक है, तो अभी आपको और कोई केस बताना है क्या तनिका मैडम? अभी नहीं सर, सर अभी मेरे पास तो यही है, ये कीलोइड्स हो रहे हैं ना, ये मैंने आपको फोटो भेजी है। हाँ बहुत ही अच्छा होगा, बचपन से जी सर। आपका संस्कृत तो बहुत अच्छा होगा बचपन से, तो सर नहीं, बचपन से तो नहीं लेकिन पढ़ लेती हूँ सर थोड़ा थोड़ा। आप ये अभी आपके स्क्रीन पे जो 34 नंबर का श्लोक है ना, ये पढ़िए। आपके पीछे पीछे महेंद्र सर भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, ठीक है सर। तेषां कोपे तु कारणम्, बोलिए सब लोग। कोपे तु कारणम्। कोपे अर्थैर सात्मय संयोगः कालकरम च दुष्कृतम्। अर्थे असात्मी संयोग है काले कर्म से दुष्कृतम्। होना होना अति मिथ्या अभी योगेन विभेदय। रुके,
आप लोग ना वहां पे वो अच्छा सा प्रिंटिंग नहीं है, इसलिए ना आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं। अभी मैं प्रिंटिंग अच्छा लाता हूँ, हिंदी वाला हम उसमें जाएंगे और श्लोक इसमें से पढ़ेंगे 1 मिनट रुके। फिर आप लोगों को कोई एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि हम कैसे भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़। अच्छा 34 नंबर का श्लोक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं लेके आता हूँ। और फिर से शुरुआत से पढ़िए। और ना कभी भी कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो संथा देते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते चिट्ठी की तरह। फिजिक्स सर वो एक्चुअली मुझे सीखना है, वो मैं सीखती हूँ। मुझे एक्चुअली में उसका सब कुछ है। चलिए महेंद्र सर, तनिका मैम को आप बोलिए सर। तेषां कोपे तु कारणम्। बोलिए सब लोग सर के पीछे पीछे। तेषां कोपे तु कारणम्। अर्थैः असात्मैः संयोगे कालकरं च दुष्कृतम्। अर्थैर साथ में आत्मे संयोगे काले कर कर्म दुष्कृतम्। मिथ्या योगे विद्यते तत्पुनस्त्रधा। मिथ्या योगे योगेन तत्पुनः विद्यते सर्वत्र। तत्पुनस्त्रधा। इसका हिंदी वाला पढ़िए। इन दोषों को होने के कारण अनुचित शब्द आदि विषयों के साथ आंख आदि इंद्रियों का संबंध होना, काल शीतोष्ण वर्षा लक्षण एक या पूर्व जन्म कृत अशुभ कर्म, ये तीनों दोषों के प्रकोप के कारण हैं। इनमें प्रत्येक कारण हीन योग, अति योग और मिथ्या योग से फिर 3 प्रकार का है। जी तो ये जो काल और परिणाम और साथ में इंद्रार्थ संयोग, ये हमारे फर्स्ट अध्याय में भी बोला है, उसी वजह से दोष प्रकोपित हो जाते हैं। चलिए आगे का जो श्लोक है, तनिका मैडम या शशि मैम कोई पढ़ना चाहेंगी आप? हमें ये अध्याय कंप्लीट करना है, फिर कल कला शरीर पे हमें आगे कंटिन्यू करना है। इसीलिए 36 और 37 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना जी चाहेगा? सर, जी सर, गुड इवनिंग आप बोलिए, आपके पीछे से सब लोग बोलेंगे। सर। हीनो अर्थेन्द्रियात् अल्पः संयोगः स्वेन नैव बोलिए सब लोग। अर्थे हीनो अर्थेन्द्रियात् अर्थे अतियोगो अतिसंसर्गः सूक्ष्म भासु रुभैरवम्। अतियोगो अतियोगो अतिसंसर्गः अतिसंसर्ग सूक्ष्म अति आसन अतिदूरस्थं विप्रियं विकृतादि च। अतिदूरस्थं यदक्षिणाभिच्छते रूप मिथ्यायोग सदारुण। यदक्षिणाभिक्षते उच्च पूय पूति आदीनि इन्द्रियार्थान यथायथम्। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़िए शशि मैम, और अर्थ बताइए आपको क्या समझा, पढ़िए। जी सर, इंद्रियों का अपने विषय के साथ अल्प संयोग या सर्वथा संयोग न होना हीन योग है। इंद्रिय का अपने विषय के साथ विषय संयोग अति योग है। सूक्ष्म भासुर भासुर मतलब अति दीप्त, भैरव मतलब भयंकर, अति समीप के बहुत दूर के, अप्रिय और विकृत आदि रूपों को आंख से जो देखना है वह दारुण मिथ्या योग है। आंख की भांति दूसरी इंद्रियों के भी विषयों का मिथ्या योग जानना चाहिए। कान से अति उच्च शब्द कान का, नाक से दुर्गंध का को सूंघना नाक का मिथ्या योग है। जी सर, क्या समझा आपको? से हम लोग पढ़ते थे कि अतियोग मिथ्या योग जो होते हैं वो सारी चीज है, तो इंद्रियों का जैसे नॉर्मल एक चीज होता है हमें सुनना। अब बहुत सारा लोग गाना वाना डीजे उजे जो बजाते हैं तेज तेज आवाज में चलता है,
तो वो सारा मिथ्या योग होता है, या जिन शब्दों को हम नहीं सुनना चाहते हैं, चाहे वो अप्रिय शब्द हो और चाहे वो खराब शब्द हो, जैसे गाली गलौज वगैरह भी होता है, वो सारी चीजें मिथ्या योग में आता है। ऐसे इंद्रियों का जैसे नॉर्मल चीजों को देखना वो तो सही। डीजे वगैरह सुनना अति योग हो गया, बहुत ज्यादा आवाज में अति योग, या कम में सुनना वो हीन योग हो गया। चलिए बहुत अच्छा बताया आपने मैम, थैंक यू मैम। चलिए आगे का महेंद्र सर आप पढ़िए, एक मिनट पर ये मेरा पढ़िए पंजेंट जी। यूज करके रखा है तो वो आपका अति योग हो गया। और दुर्गंध ही वगैरह जैसी चीजें हैं उनको सुनना जो है वो मिथ्या योग होता है, जैसे आसपास जी इसमें कालस्तु सभी हाँ जी, इंद्रिय कालस्तु ना अपने पक्ष में समत कर सर। मते बोलिए सब लोग सर के पीछे पीछे। कालस्तु आतायतु शीतोष्णं शीतोष्ण स्पर्श विपत्ति प्रजापयेद् मतलब जी, एक मिनट रुके। हाँ ये पढ़िए सहीनो। सहीनो हीन सीता दि अति योग्यो अति लक्षणे सहीनो सीता अति योगो अति लक्षणे मिथ्या योगस्तु निर्दिष्टो विपरीत त्वलक्षणे। मिथ्या योगस्तु निर्दिष्टो स्वलक्षणे। शीत उष्ण और वर्षा के भेष्य तीन प्रकार का है, इनमें अपने लक्षणों से हीन योग होना है और अपने लक्षणों से अधिक होना अति योग है। काल का अपने कहे हुए लक्षणों से विपरीत होना मिथ्या योग है, मतलब गर्मी में गर्मी नहीं पड़े, सर्दी में सर्दी नहीं पड़े, बरसात में बरसात नहीं हो उस तरह का वो, और अति हो जाता अति योग। और यदि दूसरे मौसम आ जाए, सर्दी में गर्मी पड़े, गर्मी में सर्दी पड़े, उस तरह का वो मिथ्या योग। सही बताए। चले आगे का श्लोक है 40, 41, 42। ये प्रदीप सर या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अभय सर या कोई और पढ़िए 40 नंबर का, मैं वो बड़ा बड़ा लेके आता हूँ, एक मिनट रुके। ये सब ना बेसिक चीजें हैं हमारे आयुर्वेद की, पढ़िए कौन पढ़ेगा, काय काय वाक्य वाक चित्त में देन कर्मा पी विभिजेत त्रिधा बोलिए सब लोग। हाँ चित्ते कर्मा त्रिधा कायादि कर्मणो हीना प्रवृत्ति हीन सज्ञ कह कायादि कर्मणो हीना प्रवृत्तिहीन संज्ञक अति योगो अतिवृत्तस्तु वेगो दिधारणम्। अति योगो अति वृत्तिस्तु वेग उदीरण धारणम् विषंगाम क्रियारंभ पतन स्खलानदादिकम्। विषमांग क्रियारंभ पतन स्खलनादिकम् भाषणम सा भुक्तस्य राग देश भयादि च। भाषणम सामि भुक्तस्य राग द्वेष भयाद कर्म प्रणाति पातादि दशदा यच्च। करम प्रणाति पातादि दशदा यच्च निंदितम् मिथ्या योग समस्तो स्वाभिः वामुत्रं वा कृतम्। मिथ्या योग समस्तो असाविह वा अमुत्र वा कृतम् हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर, प्रदीप सर आप ही पढ़ दीजिए। हाँ जी कायिक वाचिक और मानसिक भेद से कर्म तीन प्रकार का है, इनमें कायिक अर्थात कर्मों की हीन प्रवृत्ति हीन योग कहलाती है, इनकी अति प्रवृत्ति अति योग है।
उपस्थित योगों को रोकना, विषम रूप में स्थित अंगों से क्रिया का आरंभ करना, गिरना, फिसलना आदि, भोजन के बीच में बोलना, राग, भय, द्वेष आदि कर्म तथा दिनचर्या में कहे प्राणातिपातादि 10 निंदित कर्म, ये सब मिथ्या योग हैं तथा इस लोक में या परलोक में किया जो कर्म है वह सब मिथ्या योग है। जी, इसके बाद में अभी हम कोष्ठ शाखा गति है ये बताएंगे, और इसको डॉक्टर हरिहर सर आप पढ़ेंगे। जी सर। सर आपके पेशेंट का बारे में बात करें कि यही पढ़े हम, आप जो चाहेंगे वही होगा, केस टेकिंग करना है जी कि सर। यही करना है, आप यही पढ़ना चाहते हैं? एक वो गोल ब्लडर वाला अभी आने वाला है 2-5 मिनट में, फिर एक वो पढ़ दूंगा। आएंगे तो हम तब तक ये पढ़ते हैं, कोई पेशेंट आ गए तो हम वहां चले जाएंगे। चलिए आप पढ़िए सर, निदान मित दोषाणाम। हरिहर सर आप ही पढ़िए। हाँ, अब आ गया सर। निदान मित दोषाणाम कुपितास्तेन नेकदा। निदान मित दोषाणाम कुर्वन्ति विविधान व्याधीन शाखा कोष्ठ स्थित संदेशो। जी, इसका हिंदी वाला पढ़िए सर, दोषों का या निदान कारण है, 43 के नीचे वाला। दोषों का यह निदान कारण है, इस कारण से कुपित हुए दोष शाखा कोष्ठ अस्थि एवं संधियों में स्थित अनेक नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर, थैंक यू सर। हमारे सेशन में छोटे से और बड़े तक सब एज ग्रुप के लोग हैं, ये कितना अच्छा है। चलिए ये पढ़िए, 44 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? प्रीति मैम, नेहा मैम, जागीर सिंह जी कोई पढ़ना चाहते हैं? श्वेता मैम, गंगवार सर कोई पढ़ना चाहते हैं? पढ़ सकते हैं। हाँ सर, हाँ बोलिए। इतना ही है सर श्लोक? नहीं और भी है, पहले इतना तो पढ़िए। शाखा रक्ता दयस्तवक च बाह्य रोगाय नम ही तत्। बोलिए सब लोग। हाँ ये पढ़िए, तदाश्रया पढ़िए श्वेता मैम। तदाश्रया मशव्यंग गंडा लज्जर्बु दादयः। बहिर्भागाश्च दूर्णाम गुल्म शोफादयो गदाः। हाँ श्वेता मैम, आप बोल रही थी कि वहां पे आयुर्वेद नहीं है, देखिए अभी आपको आयुर्वेद का सब चीज दे रहे हैं हम लोग। पढ़िए बाह्य मार्ग, पढ़िए श्वेता मैम। हाँ सर, बाह्य मार्ग शाखा शब्द से रक्तादि धातु और त्वचा लेनी चाहिए, ये रोग के बाह्य मार्ग है। इनमें होने वाले रोग मशक, व्यंग, गंड, एलर्जी, अर्बुद आदि रोग है। अर्श, गुल्म और शोफ आदि रोग शरीर के बाह्य भाग में होते हैं, ये अंत भाग में नहीं होते। हाँ ये सब चीजें देखिए, मस्सा है बाहर होता है चेहरे पे, अगर एक्ने आए, व्यंग हुआ तो चेहरे बाहर है, गंड हुआ बाहर है, एलर्जी, अर्बुद ये सब बाहर होता है, अर्श ये सब बाहर होता है, शोफ बाहर होता है। अब कोष्ठ के रोग, अभी मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ ना, इसको हम जब कला पढ़ेंगे कल तो आप लोगों को ये सब चीजें समझ आएंगी मैं क्या पढ़ाऊंगा। चलिए आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? 46 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए पढ़िए, कोई शर्माइए मत। महेंद्र सर आप ही पढ़ दीजिए अभी। अन्ते कोष्ठो महाश्रोतो आम पक्वास्याश्रये।
अंतःकोष्ठो कोष्ठो महाश्रोत स्थानाक्षर्दीयति सार काश श्वास उदर ज्वरा तदस्थानं तदस्सार अंतर्भागं श्वासोदर सोपार्सो गोल्म विसर्प विद्रधि अंतर्भागं अंतर्भागं शोकः उदगुल्मविसर्पविद्रधिः च। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। चलिए कोई आप लोगों में से किसी के पेशेंट आए तो बता दीजिएगा। चलिए सर आप महेंद्र सर पढ़िए। कोष्ठ को अंतर्भाग कहते हैं, इसी को महाश्रोत महाविचार कहते हैं। ये आमाशय विवर और पक्का विचार नहीं है, हाँ महाविवर। महाविवर, विवर मतलब होल, जैसे वो पाइपलाइन, हाँ सीआईटी ट्रैक्ट। हाँ ये आमाशय और पक्वाशय माश्रित है। इस अंतर्भाग में होने वाले रोग बमन अतिसार काश श्वास उदर ज्वर हैं, और सोफ अर्श गुल्म विसर्प विद्रधि ये शरीर के अंदर के भाग में होते हैं। बहुत ये अच्छा पढ़ा दोबारा सर कहते आपने। उन्होंने बाह्य मार्ग बता दिए, सोपार्श गुल्मो वो और यहाँ पे ये अंदर बाहर भी बताया, होते हैं, ये अंदर भी होते हैं सर। अर्श अंदर भी होता है, अभ्यंतर अर्श और होता है गुल्म तो बोलना। अंदर ही होता है, गुल्म तो बाहर होता ही नहीं है सर। नहीं ऊपर उठान होती है ना, ऊपर ऐसे दिखता है ना, इसलिए उन्होंने कहा। चलिए अभी आगे का जो श्लोक है वो शशि मैम आप पढ़ेंगी, 47-48। अभी तो उसका वो पढ़ना पड़ेगा ना टीका। टीका पढ़ लिया? नहीं हम वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम जल्दी जल्दी अध्याय खत्म कर रहे हैं। कल मुझे कला शरीर पढ़ाना है अच्छा ना, इसलिए ये पढ़िए। शिरो हृदय बस्ती। यस। शिरो हृदय बस्त्यादि मर्माणि अस्थ्यां च संधयः मुझे तन्ने बद्धा सुरक्षितः शिरो तन्य बद्धा शिरा स्नायु कंडराश्च मध्यम तन्बद्धा तन्य शिरा स्नायु बद्धा दक्ष रोग इंद्रादच्च। मार्ग स्थितास्तत्र यक्ष्म रोग पक्षवद् पक्षवद् अर्दिता मूर्धादि रोगा संध्यस्ति त्रिकशूल ग्रहादय मूर्धा मूर्धा संध्या संध्यस्ति गया त्रिकशूल। गया। इसका हम लोग हिंदी वाला पढ़ते हैं। शशि मैम आप पढ़िए और हमें अर्थ बताइए। जी सर एक मध्यम मार्ग के रोग। यस मध्यम मार्ग रोग। शिर हृदय बस्ती आदि मर्म और अस्थियों की संधियां तथा इनसे संबंधित शिरा स्नायु कंडरा आदि मध्यम रोग मार्ग हैं। इसमें होने वालों यक्ष्मा पक्षवद अर्दित शिरो रोग संधिशूल अस्थिशूल त्रिकशूल या इनका पकड़ा जाना है। जी सर चलिए अब वायु के कर्म, ये मुझे स्पेशली कल बताना है, इसीलिए मैंने इतने सारे अध्याय पढ़वाए पूरा। ये सबसे मेन है। जब हम कला शरीर पढ़ेंगे तो आपको ये श्लोक को टिक करके रखिए, इसको याद हो जाए तो वो भी अच्छा है। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हर बीमारी में ये वायु का जो है कर्म उसको हमें पढ़ना है। आप लोगों में से कौन सबसे इंटेलिजेंट है? तनिका मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। जी सर सर यही वाला है ना। हाँ हाँ सरंस्या व्यास व्याध्य स्व स्वाप सदारुक्तोद्भेदनम् बोलिए सर। भेदनम संगामवंगम संकोच वर्तहर्षण तर्षणम संगांग भंग
कंप पारुष सोषी सुषीर शोष स्पंदनम वेश स्पंदनम वेष्टनम पारुषो स्पंद कषायेरस्ता वर्णः शावो अरुण पीवा कर्माणि वायो कर्माणि वायो। ये पूरा हमारा काय चिकित्सा का भाग है कि वायु के वजह से क्या क्या चीजें हो जाती हैं। चलिए इसको आप तनिका में पढ़ के हमें समझाइए, आपको क्या समझ आया? वायु के कार्य पढ़िए और हमें समझाइए। वायु के कार्य स्रंस संधि आदि का खिसकना, व्यास फैलना खुलना, व्यध क्रिया का नाश होना या व्यथा, स्वाप संज्ञा नाश, साद शिथिलता, पीड़ा चुभने की पीड़ा, फटने की पीड़ा, जुड़ जाना, अंगों का टूटना, अंगों का सिकुड़ जाना, गोल हो जाना, रोमांच, तर्पण तर्पण कंपन तर्षण है, तर्षण, तर्ष सर वो दिख नहीं रहा, तर्षण मतलब प्यास लगना, तर्ष प्यास लगना, कंपन कर्कशता खोखलापन सूखना स्पंदन लिपटना जड़ बन जाना मुख में कशालापन श्याव या अरुण वर्ण का होना, ये वायु के कार्य हैं। नीचे वाला पढ़िए। हाँ, तर्षण का अर्थ प्यास है, परंतु पानी की प्यास की अपेक्षा दूसरी वस्तु की मानसिक इच्छा या चाह का होना। हाँ, तो डॉक्टर हरिहर सर, आपको ये वायु के कार्य में क्या क्या हो रहा था जब आप मेरे से मिले थे, तो आपको इनमें से क्या चीज हो रहा था? हरिहर सर आप हैं? आपको कंपन हो रहा था ना, आपने कहा था ना कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा था आपका। जी सर। हाँ, तो ये वायु का कर्म है, वायु आपका प्रकोपित हुआ था, वायु को आपने नस्से से शांत किया, बस्ती से शांत किया। डॉक्टर प्रदीप सर, आपको इनमें से क्या हो रहा था वायु की वजह से? आपको कुछ ऐसे लग रहा है, सूखापन खोखलापन कुछ ऐसे लग रहा था आपको, मुख में कसैलापन ये जी सब जी हमारे। हाँ सर, इसमें क्या लग रहा था आपको, कौन से सिम्टम थे? खोखलापन, सूखना और मुख में कसैलापन। हाँ, तो ये सब वायु बढ़ने के वजह से होता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, दो पेशेंट है, तो वो क्या बोले कि हमें ना रात रात भर नींद ही नहीं आती है, और उनको ये सारे सिम्टम दिख रहे थे। सब नहीं, व्यास नहीं दिख रहा था, लेकिन उनका ऐसा लग रहा था ज्वाइंट में पेन हो रहा है, ये है वो है, सब वायु के सिम्टम सारे दिख रहे थे, कंपन प्यास ये सब लग रहा था। चले, पित्त के कर्म, आप लोगों में से सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मुझे तो सर कशेलापन मतलब क्या? मुंह में ऐसे लगता है जैसे सुपारी खा लिया है, मुंह एकदम सूखा सूखा लगता है। चलिए अच्छा ठीक। अंजलि मैडम, आप ये पढ़िए, पित्तस्य दाह रागोष्म पाकिता। अंजलि मैडम, आप बिहार की रहने वाली हैं क्या? अंजलि मैडम सुन नहीं रही है। हर्षित जी आप पढ़ेंगे प्लीज, कोई और सर पढ़ना चाहिए? हाँ मैं पढ़िए, पढ़ू सर? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। बोलिए पढ़ू हाँ सर? पढ़िए। हाँ पित्तस्य दाह रागोष्म पाकिताः। बोलिए। पित्तस्य दाह रागोष्म पाकिताः। स्वेदः क्लेदः स्नुतिः कोथ सदनं मूर्छनं मदः। कटुकाम्लो रसो वर्णः पाण्डु अरुणवर्जितः। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़िए और आप लोग देख के बताइए कि आप लोग को क्या सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलता है। श्वेता मैम आप पढ़िए, पित्त के कार्य पढ़िए। पित्त के कार्य जलन रक्तिमा है क्या सर वो? हाँ रक्तिमा, रेडनेस।
हाँ, रक्तिमा, उष्णिमा, पकना, पसीना, क्लीनता, स्त्राव का होना, सड़ना, शिथिलता, मूर्छा, मद, कटु और अम्लरस, पांडुर या अरुण वर्ण को छोड़कर शेष रंग का मतलब पीला, नीला, लाल, हरा होना, ये वायु के कार्य है। ये वायु नहीं है, पित्त होना चाहिए, वो पित्त की है इंडिकेटर ना है सर? आपके हाँ वाले सर हाँ पेशेंट पित्त के काम। आप ये बताइए कि जलन वाले पेशेंट आते हैं कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, रेडनेस हो गया है, शिथिलता हो रही है, मूर्छा हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है, कोई घाव पक गया है, ऐसे पेशेंट आते हैं? महेंद्र सर आप कुछ बताएंगे, ऐसे सिम्टम वाले पेशेंट देखे हैं आपने महेंद्र सर? हाँ सर, ये सभी मिलते हैं। पित्त के में जो पित्त का पेशेंट होता है, आज ही एक लेडीज थी, जी उसके ये सारे, उसमें जलन भी थी, उसके शरीर में लालमा भी थी, और वो फिर घबराहट भी बहुत ज्यादा होती है, बेचैनी होती है, नींद भी कम आती है उसकी, और उसका जो मुंह का स्वाद है वो ऐसा होता है कि खट्टा खट्टा सा, इस तरह के जिसको वो खा लियो खट्टी चीज, इस तरह की बता रही थी वो। बहुत सही। ये जो ग्रंथ है ना, इनको पेशेंट में देख के हमको और अच्छे से समझ आता है। चलिए, ये वाला श्लेष्मा के कर्म कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? हर्षित जी आप पढ़ेंगे, आपके पीछे पीछे सब बिल्कुल। लोग बोलेंगे। श्लेष्मणः स्नेह काठिन्य बोलिए सब लोग। श्लेष्मणः कंडू कंडू काठिन्य शीतत्व अंडू गौरवम् गौरवम् बंदोपलेपस्तैमित्य बंदोपलेपस्तैमित्य चोफापत्य अतिनिद्रताः निद्रता वर्णः श्वेतो रसो स्वादु वर्णे तो रसो स्वादु लवणोऽस्थिरकारिता लवणोऽस्थिरकारिता। चलिए, कफ के कर्म पढ़िए हर्षित जी, और आप बताइए सब लोग की कफ के कौन से सिम्टम देखे हैं आप लोगों ने। पढ़िए कफ के कार्य, पढ़िए। कफ के कार्य स्निग्धता, कठिनता, कंडू, शीतलता, भारीपन, स्रोतों का अवरोध, उपलेप, स्थैमित्य, शोफ, पाक का न होना, नींद का अधिक आना, श्वेत वर्ण, मधुर एवं लवण रस तथा देर में काम को करना कफ के कार्य हैं। वक्तव्य पढ़िए। वक्तव्य: कफ मधुर है, विदग्ध होने पर लवण है, पित्त तिक्त है, विदग्ध होने पर कटु बनता है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखिए, ये स्वर्ण के भाषा में, स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए। हमेशा सबको याद रखना है कि कफ का रस क्या है, मधुर है। कफ जब विदग्ध होता है तो वो लवण रसात्मक होता है। पित्त का ओरिजिनल रस है तिक्त है, जब वो खराब होता है तो वो क्या बनता है, कटु रस बन जाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसे पेशेंट आप लोगों ने देखे, स्त्रोतोरोध, उपलेप, स्थैमित्य, पाक न होना, शोफ, नींद का अधिक आना, ऐसे पेशेंट देखे होंगे आप लोगों ने, कफ वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप हर्षित जी, आप ना सर काय चिकित्सा में टॉपर आने वाले हैं, क्योंकि आप मूल ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आप थैंक आंसर भी दे सकते हैं, ये सब चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं, तो आपको कोई यू फेल नहीं करेगा। यहाँ मेरे सर। आयुष दर्पण के सेशन अटेंड करके लोगों का एमडी आराम से हो जाता है। आप शशि मैम को पूछिए, कंचन मैम को पूछिए, सब लोग का एमडी आराम से हो जाता है और टॉपर आते हैं। अभी जी शशि सर मैम को मुझे वो तंत्र युक्ति पढ़ाना है, और मुझे बहुत सारा चीज पढ़ाना है, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स। चलिए, ये वाला जो श्लोक है 54 नंबर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, 54, 54 वाला पढ़िए। अगर आप ये अगर अपना लेंगे अपने लाइफ में, तो आप लोग बोलेंगे कि ये सच में वाग्भट जी ने आप्त वचन लिखा है। पढ़िए, एक मिनट एक मिनट, इसका एक ऊपर का एक श्लोक रह गया है कहीं तो। 54 एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है ना इस पे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 53 हो गया है, अभी 54 पढ़ना है। एक मिनट। हाँ, 54 वाला पढ़िए। कौन पढ़ेगा? महेंद्र सर आप पढ़िए प्लीज।
इति असीसाम आमये व्यापी यदुक्तम दोष लक्षणम। बोलिए सब लोग। अवहिते सम्यक उपलक्ष्ये व्याधि अवस्था विभागज्ञे पश्यन्नार्तां प्रतीक्षणम्। व्याध्यावस्था विभागज्ञे पश्यन्नार्तां प्रतीक्षणम्। सर आप इसका अर्थ पढ़िए। इस प्रकार संपूर्ण रोगों में लागू होने वाले दोषों के जो लक्षण कहे हैं उनको दर्शन आदि इंद्रियों से सावधानी के साथ भली प्रकार देखें। रोग की अवस्था के विभाग को जानने वाला वैद्य प्रतिक्षण रोगियों को देखता हुआ जाने। ज्वर में तरुण ज्वर, पश्चमान ज्वर और जीर्ण ज्वर, इस प्रकार के भेद को जाने। इसका अर्थ क्या है हमें बताइए, आपको क्या समझा सर? मतलब अपने को बुखार के जैसे कोई पेशेंट आया, ज्वर का ही पेशेंट आया, उस ज्वर में अपने को देखना चाहिए कि इसमें जो ज्वर शुरुआत का है या फिर बीच की जो पश्चमान अवस्था है वो है या फिर वो जीर्ण ज्वर हो गया है, तो उस तरह से उसके लक्षणों के हिसाब से अपन को पूछ सकते हैं उससे या फिर कितना टाइम हुआ है उसको और कितने समय में और क्या क्या लक्षण आ रहे हैं उसके हिसाब से जो लक्षण है। तरुण ज्वर के अलग लक्षण है, पश्चमान ज्वर के अलग लक्षण है और जीर्ण ज्वर के लक्षण है, उन लक्षणों के हिसाब से अपन उस पेशेंट को क्लियर कर सकते हैं कि पेशेंट किस तरह का है। सही बात है, हमें मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है हर पेशेंट का कि वो कहाँ पे कौन सी अवस्था में। चलिए महाजन सर आप ये 56 नंबर का श्लोक पढ़िए और हमें अर्थ भी बताइए। अभ्यास सात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी प्रकाशिनी प्राप्यते दृष्टि प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि सदस्यज्ञानम न शास्त्र देव जायते। रत्ना हिंदी वाला पढ़िए और अर्थ बताइए सर। क्योंकि कार्य सफलता को दिखाने वाली दृष्टि अभ्यास से ही प्राप्त होती है, अच्छे बुरे रत्नों की पहचान का ज्ञान शास्त्र पढ़ने से ही नहीं होता अपितु कार्य करने से होता है। क्या है इसका मतलब क्या है? पढ़ने से ही काम नहीं होता, अभ्यास करने से, रोगियों को बार बार देखने से कि क्या। अभी पीछे मेरे पड़ोसी एक आए, वो 83 इयर्स के हैं जी। तो वो उनकी फोर आर्म्स दोनों रेड हो रही थी, खारिश वारिश कुछ नहीं थी। मैं कहा क्या लेते हो आप? कहते हैं जी मैं अजवाइन, जीरा, पांचे, मेथी एक एक चम्मच डालता हूँ और 1 किलो पानी डाल के जब वो 400 ग्राम रह जाता है उसको पी लेता हूँ। मैं कितने दिन से ऐसे कर रहे हो? कहते हैं काफी टाइम हो गया। मैं कहता हूँ वो छोड़ दो बिल्कुल, 1 हफ्ता बिल्कुल मत लेना और उसके बाद भी लेना तो आप आधे कप से ज्यादा मत लीजिएगा। तो उन्होंने छोड़ा तो वो ठीक हो गया अपने आप। यही तो है ना, यही तो बात है, सही बात है। जो लोग फॉर्मूला टोटका ये सब पे करते हैं ना उससे नहीं होता है। उनको कोई मैंने दवाई वाई नहीं कही, मैंने कहा आप पहले छोड़ के देखो इसको, वही तो वही जो आप तो खा रहे हो खाना वही गलत खा रहे हो ना जी। अभी महेंद्र सर आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे ये श्लोक के अर्थ पे? अभी हम लोग बोलते हैं जी अभ्यास, अभ्यास सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए कहते हैं कि जो चिकित्सक है वो जितना जितना ज्यादा एज का हो, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना बड़ा वैद्य होगा जी। इसलिए हर समय पेशेंट देखते रहना है, हर समय पेशेंट देखना है। जितना जो पेशेंट देखेगा नया नया चीज सीखेगा,
शास्त्रों को पढ़ेगा, फिर पेशेंट में देखेगा, पेशेंट का सिम्टम देखेगा, तो वो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस उसका बढ़ते जाता है। अब शास्त्रों में तो किसी ने एमडी भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसे प्रैक्टिकल नहीं किया बिल्कुल, तो वो बिल्कुल जीरो है, उसके कुछ अनुभव नहीं है, ये मान के चलो आप। वही तो। और हमारे आदरणीय जमदग्नि सर को देखिए, वो क्यों इतना सक्सेसफुल है और उनकी बातों में कितना जोर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने हजारों लाखों पेशेंट देखे हैं, वो मतलब सुबह से शाम पेशेंट ही देखते रहते हैं, पेशेंट ही देखते हैं, दवाई देते हैं, पेशेंट देखते हैं, दवाई देते हैं, और कुछ काम ही नहीं करते हैं। तो इतना अनुभव जो है, इसीलिए वो इतने महान बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का श्लोक है, शशि मैडम आप पढ़ना चाहेंगी? शशि मैडम जी, हाँ जी सर, जी सर मैं आप पढ़ रही जब हूँ। एमडी करने के बाद कॉलेज में प्रोफेसर होंगी तो बच्चों को ये सब पढ़ाने वाली हैं आप। जी सर, थैंक यू सर। दृष्टा पुचार्य कश्चित कश्चित पूर्वापराधज दृष्टा तत्संकराद। पचार्य कश्चित कश्चित पूर्वापराधज। तत्संकराद भवति अन्यो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृत। तत्संकराद्भवत् अत्यन्तो व्याधिरेवं त्रिधा स्मृतः। स्मृत। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए, क्योंकि जी सर, रोग 3 प्रकार के हैं, जिसमें रोगों का कारण दिखता हो दृष्ट कर्म, पहले किए गए अपराध जन्य रोग, अशुभ कर्मजन्य दैट इज अदृष्ट कर्मज, इन दोनों के मिश्रित होने से उत्पन्न अदृष्ट अदृष्ट कर्मज। इस प्रकार से रोग 3 प्रकार के हैं। जी सर, क्या है, आप अर्थ बताइए, क्या समझा आपको? इसका सिंपल सी मतलब है, जैसे कुछ चीजों में तो कारण एकदम सीधे सीधे हेतु नजर आता है, जैसे मान लीजिए अगर मूत्र वेगावरोध की हिस्ट्री होती है तो लेडीज में पीरियड की प्रॉब्लम होती है, या मेल फीमेल दोनों में जो डायबिटीज का है, प्रमेह का है, तो सारे डायबिटीज नहीं, प्रमेह में मेनली मूत्र वेगावरोध की हिस्ट्री होती है सारे पेशेंट्स में, या मूत्रास्मरी वगैरह का केस हो रहा है तो उन सारे केसेस में भी होता है। तो कुछ कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हेतु होते हैं, या विरुद्ध अन्नपान की वजह से कुष्ठ डिसीज, इस तरह की चीजें संप्राप्ति में आती हैं। तो ये तो बिल्कुल होता है जिसमें कारण नजर आता है। और कई चीज होते हैं, पहले किए गए अपराध जन्य रोग होते हैं, जैसे किसी को किसी ने कोई काम किया छुपा कर कर लिया मान लीजिए, तो उसका जो अपराध बोध उसके अंदर बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, उसकी वजह से जो आज की डेट में ऑटो इम्यून डिसीज का सबसे बड़ा वजह है कि इंसान दिखता कुछ है होता कुछ है, या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज करता है जो कि उसको ब्रेन कुछ बोलता है, ब्रेन बोलता है ठीक नहीं, हार्ट ने बोला नहीं जी चलो कर लो, तो उस तरह की चीजें होती हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें दोनों तरह की वजह होते हैं, जैसे साइकोसोमेटिक डिसीज है, तो साइकोसोमेटिक डिसीज का सिंपल से मतलब है कि उसको स्ट्रेस भी है जो कि बाहर से ऐसे नहीं नजर आता है, और कुछ ना कुछ उसमें खान पान का मतलब आहार विहार के हेतु साथ में दिख रहे हैं, और साथ में स्ट्रेस बड़ा हेतु दिख रहा है। अब जैसे ये जो मैम का पेशेंट था कल, जिसको इनगुइनल हर्निया वाला पेशेंट था, जिसके केस में 10-15 साल पहले चोट लगी थी, तो उसका स्ट्रेस है तो एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर था, बट उसके अलावा भी कुछ और चीजें भी होंगी, तो वो अदृष्ट अदृष्ट में आ जाएगा। जी सर, मेरे हिसाब से। सर आप बताइए। आपने सही बताया, मैं आपसे यही चीज सुनना चाहता था, सब सही बताया आपने। चलिए थैंक यू सर। अभी 58 नंबर का श्लोक आप लोग पढ़िए, कौन पढ़ेगा 58 नंबर का श्लोक? अभय सर आप पढ़ना चाहेंगे? अंजलि मैडम पढ़ना चाहेंगी? आप राम कुमार जी पढ़ना चाहेंगे? यस सर। हाँ पढ़िए। यथा निदानम दोषाच्छ कर्म जो हेतु मिर हेतु भिर्विला भिर्विना। रुकिए 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 सर, बाकी लोग बोलिए। यथा यथा निदानम दोषोत्तम कर्म जो हेतु कर्म जो हेतु महारंभो अल्प के हेता बात तक को दोष कर्मजा। महारंभो अल्प को दोष कर्मजा। इसका अर्थ पढ़िए डॉक्टर राम जी, कर्मजा। इसका अर्थ पढ़िए और हमें अर्थ बताइए सर, राम जी, डॉक्टर राम जी। इनके लक्षण दोषज सर, ये वाला सर, हाँ जी इनके लक्षण दोषजन्य दृष्ट कर्मज, रोग निदान के
अनुसार लक्षण वाले होते हैं। कर्मनज्ञ कर्मजन्य रोग कारण के बिना ही उत्पन्न होते हैं। दृष्ट कर्मज रोग थोड़े से कारण ही बहुत बड़े रोग को उत्पन्न कर देते हैं। हाँ, आपको क्या समझा सर? जो दृष्ट कर्मज मतलब जो बेकार कर्म करने वाले, हाँ जैसे दही खाया रात को, बहुत ज्यादा दही खाया, बहुत आइसक्रीम खा लिया, 1 किलो आइसक्रीम खा लिया, दूसरे दिन उसको सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो ये हमें निदान के हिसाब से लक्षण दिखते हैं। कर्मजन्य है कि पहले उन्होंने कोई कर्म किया है, उनको कारण अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन उनके कुछ बुरे कर्म है उसके वजह से होता है। और कुछ दृष्ट कर्मज है जो थोड़ा कारण ही करें लेकिन बड़ा व्याधि उत्पन्न कर देते हैं, ऐसा होता है। जो बड़ी है, एक तो निसंतानता और एक कुष्ठ वगैरह या सोरायसिस वगैरह इस तरह का, अधिकांश ये बड़ी बीमारियां होती है या फिर उन्माद और वो अपस्मार। जी सही बताया आपने सर। चलिए 59 नंबर का श्लोक महेंद्र सर आप पढ़ेंगे प्लीज, 59 नंबर का श्लोक। विपक्षशील कर्म जे कर्म संख्या, बोलिए सब लोग। विपक्षशील गच्छति उभय जन्मा तु दोष कर्म क्षया क्षयम्। चलिए इसका अर्थ पढ़ दीजिए सर महेंद्र सर, और अर्थ बताइए हमें। दोष जन रूप विरोधी वस्तु के सेवन से शांत हो जाता है, कर्मजन रोग कर्म के क्षय से शांत होता है, दोष कर्मजन रोग दोष और कर्म दोनों के क्षय होने से शांत होता है। मतलब यदि किसी दोष से बात पे कब से यदि कोई दोष हुआ है तो वो उसके विरोधी यदि उसको उपचय के हिसाब से देंगे अपन तो वो दोष शांत हो जाएंगे, लेकिन कर्मजन या तो दैविक जैसे अपन के कोई अपन सूर्य देव की व्रत करवाते हैं या भगवान की कोई पूजा करवाते हैं या अपन यज्ञ करवाते हैं हवन करवाते हैं उस तरह से उसके कर्म के हिसाब से अब बाद में छह होते हैं जब जाके वो शांत होता है दोष। जैसे अपन के जो उन्माद अपस्मार में कई बार हवन बलि वगैरह उस तरह का प्रोग्राम भी किया गया है, अपन के कुष्ठ में भी किया गया है, अपन जैसे जो ये सोरासिस वगैरह इसके लिए भी अपन इसके सूर्य सूर्य को प्रणाम वगैरह और उसका व्रत भी करते हैं, और पीपल की जो पूजा वगैरह बताई है उसमें भी उन्माद अपस्मार में बताया, तो उस तरह से वो जो पुराने कर्म है उनका नाश उस तरह से हो जाता है। जी सही बताया आपने, कर्म के क्षय से भी होता है। अभी हम लोग बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि हम इलाज कर रहे हैं लेकिन वो तुरंत ठीक नहीं हो पाते हैं, जब उनका कर्म का क्षय हो जाता है तभी वो ठीक हो पाते हैं, और कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जब उनका कर्म का क्षय हो गया तब हमारे पास है अल्प उपाय से वो ठीक हो जाते हैं, ये भी होता हाँ है। सर ये तो सही है, कर्म जब उनका उनका कर्म सही होता है या उनको सही जगह पे जाना होता है तो अपने आप ही उस जगह जाते हैं वो सही हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बीमारी हो गई बड़ी बड़ी जगह घूमते हैं और वो कहते हैं वहां उसने सही कर दिया कुछ भी नहीं दिया। जी ये सही बताया आपने। चलिए प्रकारांतर से व्याधि के दो भेद, ये स्वतंत्र और परतंत्र व्याधि के बारे में बताया है। शशि मैम आप पढ़िए और हमें अर्थ बताइए, पढ़िए शशि मैम। जी सर, जी सर, बार बार ये टॉपिक बार बार बोलती हैं इसीलिए मुझे आपसे पढ़ना है पढ़वाना है। जी सर, ये वाला स्वतंत्र परतंत्रस्य ऊपर वाला श्लोक पढ़िए द्विधा। वो तो थोड़ा ही है, द्विधा स्व परतंत्रत्व आधेयो व्याधेयो अंत्या पुनर्द्विधा स्वतंत्रस्य परतंत्रस्य रोग स्वतंत्र और परतंत्र भेद से दो प्रकार के हैं, इनमें परतंत्र रोग फिर दो प्रकार के हैं। एक मेन बीमारी है एसोसिएटेड बीमारी ऐसा होता है। हाँ, पूर्वजा पूर्व रूपाख्या जाता पश्चात उपद्रवा, रोग से पूर्व जाता पश्चात उपद्रवा।
और रोग से पीछे होने वाले उपद्रव कहलाते हैं, मतलब पूर्व रूप रहेंगे पहले वाले, रोग से पूर्व होने वाले रूप, पूर्व रूप उपद्रव ठीक है कहलाते हैं, रोग बाद से वाले पहले रूप। जो होते हैं वो पूर्व रूप रोग कहलाते हैं, रोग के बाद में जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कोई बीमारी के बाद कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको उपद्रव कहा जाता है। जी सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज आप लोगों को बहुत अच्छा से नींद आने वाली है, आप लोगों को ऐसे मन को शांति मिलेगा कि आपने कुछ तो अच्छा पढ़ा आज। जी सर। हाँ ये कोई पढ़ना चाहेगा? यथा स्वजन्मोपशया। यथा स्वजन्म उपशया स्वतंत्रा स्पष्ट लक्षणा। यथा स्वजन्मोपशया स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण। हाँ ये वाला पढ़िए, विपरीता शशि मैम। एक सन विद्या देव मलानपि हाँ उसके ऊपर है, विपरीता तथो ततो अन्ये तु। अन्य तु विद्या देव मलानपि हाँ हिंदी वाला मलानपि। पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए। रोगों की उत्पत्ति और शांति उनके अपने तक ही नियमित रहती है, स्वतंत्र रोग है, इनमें उस रोग के लक्षण स्पष्ट रहते हैं। इसके विपरीत अर्थात जिनमें उत्पत्ति और शांति अपने तक नियमित नहीं तथा लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं, वे परतंत्र रोग हैं। इसी प्रकार रोग की भांति वात आदि दोषों को भी जानना चाहिए। हाँ जी इसका मैं एक सर। एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आती थी, तो उनको ना घुटनों का दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं उनको मात्रा बस्ती का प्लान किया और मैंने उनको मात्रा बस्ती दिया। वो मात्रा बस्ती ठीक हो गया, उससे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। सब ठीक होने के बाद जब मेरा 21 डेज का कोर्स हो गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको एक बीमारी नहीं बताई थी, मेरे को यूट्रस का वजाइनल प्रोलैप्स था, तो वह भी आपके बस्ती से ठीक हो गया। तो फिर मतलब स्वतंत्र व्याधि क्या था, घुटनों का दर्द, परतंत्र व्याधि क्या था, जो स्तन हुआ था मतलब अपना स्थान छोड़ के आया था गर्भाशय बाहर की तरफ, वो परतंत्र व्याधि था। जब मैंने स्वतंत्र व्याधि को ठीक किया, परतंत्र व्याधि भी अपने आप ठीक हो गया, है ना। ऐसा ऐसे बहुत सारी बीमारियां रहती है, एक हम एक करना चाहते हैं उसके साथ में दूसरी जो परतंत्र व्याधि वो भी ठीक हो जाती है। जी आप लोग अभी थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे? हमने बहुत सारा ये पढ़ लिया, ये तो बहुत बड़ा अध्याय है। आप लोग कोई पेशेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई मनीषा मैडम कोई पेशेंट से रिलेटेड बात करना चाहती हैं? जी सर, एक बात पूछना था, पेशेंट भी हाँ है हाँ पूछिए। वो गोल्ड ब्लैडर स्टोन वाले हैं ना, हाँ उनको कुछ दवाई के बारे में पूछना है तो पूछ चलिए, लो। आप उनका वीडियो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ हाँ ये वही अरविंद भाई है। नहीं अरविंद भाई नहीं है, वो नंदलाल भाई सोनी गोल्ड ब्लैडर वाले, बोलो अच्छा, इनको क्या तकलीफ है सर, पूरा बताइए। हूं था सब। जी सर, मैं जो दवाई खाता हूँ ना, उसके हाँ बाद थोड़ा अंदर से जैसे बहुत बड़ा फूल जाता है ना, ऐसा हो जाता है, अंदर से बड़ा बड़ा हो जाता है सब, पेट भारी भारी एकदम हो जाता है, फिर डायरिया हो जाता है। अच्छा, आपका ये दवाई कहाँ से क्या क्या दे रहे हैं सर? वो आपने भेजा था वही सर। अच्छा तो मुझे इतना दिन के बाद नहीं बताना है, मुझे रोज का रोज बताना है सर। आप इनको हाँ क्या वो करिए कि खाने में तक्र दीजिए, तक्र छाछ, सर। हाँ छाछ पियेंगे ना दिन भर में 1-2 लीटर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पेट में अधमान होके जो डायरिया हो रहा है वो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तो तक्रम लघु कषायनम और ये ग्राही भी होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ और बाकी क्या तकलीफ हो रही है? थोड़ी थोड़ी देर, दो दो 3 घंटा सर रहता है, फिर बाद में फिर से जो जैसा होता है वैसे हो जाता है, लेकिन इसके बाद ही ये डायरिया 2 बार कोई बात होता नहीं, है। सब ठीक हो जाए। आप छाछ पी के मुझे कल बताइएगा क्या हो रहा है, कल हाँ पीने जी के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे शाम को आइए, फिर हम बात करेंगे, हाँ जी ठीक है? और मुझे ऐसा नहीं कि 20 दिन बाद बता रहे हैं, मुझे रोज का रोज व्हाट्सएप पे मैसेज करिए क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हाँ तकलीफ हो रही है क्या नहीं हो रही है, ठीक है? नहीं वैसे सर स्फूर्ति बहुत रहता है फिर पूरा पूरा टाइम। हाँ हाँ
मैंने इनको परपटी कर दिया है मनीषा मैम, दिया है मैंने इनको सब। थोड़े टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए बहुत भारी हो जाता है। सब वो चूर्ण है ना, भद्रासम चूर्ण है कि कौन सा है वो? भद्राश्म चूर्ण है, वो पच नहीं रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो छाछ पियेंगे तो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा तो सब ठीक हो जाएगा इनका। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, पूछना है पूछ सकते हैं, कोई और केस से रिलेटेड। तनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं वो अरविंद भाई को भी दवाई सर सब माफक आ गई है। माने, तो वो दवाई लेने के बाद उनको क्या फील हो रहा है, अच्छा बुरा माने जो हो रहा है? है, और स्फूर्ति ज्यादा है और खाने पीने में भी थोड़ा काम अच्छा रहता है, भूख भूख लगने लग गई है। और ये सर को कैसा लग रहा है, स्फूर्ति वगैरह आया है पहले से, ताकत आई है? हाँ हाँ इनको भी स्फूर्ति हाँ है अच्छी, स्फूर्ति बहुत रहता है, एकदम हाँ अग्नि अच्छा है, पेट भूख एकदम लगती है हल्का क्या? हो जाता हूँ मैं, जी लेकिन ये थोड़ा टाइम 2-3 घंटे तक बहुत भारी भारी हो जाता है। कोई बात नहीं, वो छाछ पियेंगे ठीक हो जाएगा। आपको भूख लग रही है क्या? भूख हाँ भूख लग अच्छा, रही है बाकी और हो रहा अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ हाँ आप छाछ पीजिए और फिर कल मुझे बताइए क्या हो रहा है। अच्छा दिन भर में 2 लीटर तक पानी की बजाय छाछ ही पीना है आपको, जितना पी हाँ सकते। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। करेंगे। हाँ और किसी को पूछना है कुछ? डॉक्टर सपना मैडम, प्रीति मैडम, कोई केस पूछना है? नहीं तो मैं अभी सेशन बंद। नमस्ते सर। हाँ बोलिए मैम, सपना मैडम। हाँ सर, कल एक पेशेंट को रेज करवाए, उसमें प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे सर, है ना? जरूर लाइए, जरूर लाइए। तो जी सर और वो जी, वेरिकोसील वाले पेशेंट का फोटो मुझे भेजिए और सिम्टम सब लिख के भेजिए, मैं बताऊंगा आपको। ओके सर जी सर। ठीक है, और मनीषा मैडम आपका कोई केस आपको डिस्कस करना है, जागीर सिंह जी, गणेश भोसले जी, सभी लोग के लिए ये अपना प्लेटफॉर्म है, बोलिए आप सर लोग। एक पेशेंट है, वो स्किन प्रॉब्लम है उसको, 6-7 महीने से, अभी मैंने पिक डाला है, ये पूरे फुट का लिया है, पूरी बॉडी में ऐसे ही है उसको, हाँ। और उसने काफी ट्रीटमेंट लिया है 6-7 महीने से, स्टेरॉइड वगैरह भी चला है, कुछ दिन तक हाँ। दबा रहा फिर वैसे हो जा रहा, पूरे हाथ में पैर में सभी में। तो हाँ। इसको और बाकी कोई ऐसा हेतु जैसे निकाली हूँ तो स्ट्रेस निकला है, और कुछ इनका मैरिज का चल रहा था इशू, हाँ। लव मैरिज है तो घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, बाकी अपना शॉप है इनका कपड़े का, उसको चलाती हैं, हाँ। और अभी कितना 7-8 महीने हुआ है इनकी शादी को, उसके एक दो महीने के बाद से ये शुरू हो गया ये, और हाँ लगातार ट्रीटमेंट करा रही, फिर ये आयुर्वेद में आई है यहाँ, तो हाँ अभी तो मैं दीपन पाचन, नाम पाचन और ये सारी चीजें चला करके, हाँ और कुछ पंचतिक्त कषायम और पंचतिक्त घृत ये दी हूँ खाने के लिए, फिर इसको विरेचन के लिए सोची हूँ सर। ठीक है। अभी मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, सर पूना में। लेकिन हाँ बोलिए। डॉक्टर, हाँ जी सर, डॉक्टर इनको बोल दिए हैं कि ये ठीक नहीं होगा, कई साल तक, 10-10 साल तक आपको दवाई खाना पड़ेगा, और इससे और ज्यादा स्ट्रेस में आ गई है। मैम पहले इनको बमन कराओ, आप विरेचन बाद में कराना। हाँ जी हाँ जी, वो वमन के लिए लेकिन एग्री नहीं है वो, तो रेडी उसमें नहीं है क्या तो है? कप के क्यों, कप का निकलना पहले जरूरी है, उससे ये खुजली वगैरह सी कम हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड नंबर पित्त का आता है, यदि पहले अपन पित्त को निकालते हैं तो फिर कफ उस दर जाता है, वो हाँ वो ठीक नहीं ईचिंग बनी होती। रहती है, ईचिंग बनी रहती है। तो एक पेशेंट को ऐसी मैं मिश्रा किसने घृत से कराई थी, विरेचन तो उसको वमन भी हुआ, 5-6 वमन हुआ, फिर विरेचन भी हुआ, तो उसमें इस तरह यदि इसको हो तो ठीक है, अदरवाइज वो वमन के लिए प्रॉपर क्लासिकल वमन के लिए अग्री नहीं है जी। कैसे करें सर फिर? इतने परेशान होने के बावजूद भी नहीं है, डॉक्टर ने नहीं मना कर आप दिया जब। ऐसे, आप पेशेंट को डरा के नहीं रखते हैं क्या? आप मेरे पास एक बार आके देखिए, मेरे सब पेशेंट मुझसे डरते हैं, आप ऐसे डराती नहीं। या तो सर बस वो उनको सुविधा भी चाहिए और ठीक भी होना आयुर्वेद के नाम नहीं पर। ऐसे नहीं होता है, हम जो बोले वो बात मानने वाला होना चाहिए पेशेंट। हमारे सर के क्लिनिक में आप कभी आके देखिए, जमदग्नि सर के, सर जो बोलते हैं वो करना ही पड़ता है।
पहले कफ का समन करती हूँ, फिर इसके बाद लघु ओरेशन कराती लघु हूँ। पहले दीपन पाचन अनुलोमन करें या लघु अमन करा दीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। अभी 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 10-15 दिन तक तो अभी इसमें ही चला रही हूँ, सिर्फ हाँ अमन करा देती हूँ। 3 दिन स्नेह पान करा के पंचतिक्त हाँ ग्रह और फिर वामक औषधि दे करके वमन करा दे रही हूँ। ठीक ठीक है, है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। आप लोगों को सपना में भी धन्वंतरि भगवान आशीर्वाद देंगे और बोलेंगे कि ठीक अच्छा पढ़ाई किया सुबह से शाम तक। आज सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई किया, और कल मैं कला शरीर पढ़ाऊंगा। जितना मुझे चीजें बतानी थी वो बता दिया है। अब कला शरीर में जब कल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।